देखिए, हम जिस चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं उस चैप्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक ही फार्मूले पे काम करता है। किस फार्मूले पे? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के 90 डिग्री ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल होने की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, यानी इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन वन कह रहा है तो पहले क्वेश्चन वन के लिए रफ फिगर बना लेते हैं। एक एंगल है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर? इज ए ट्रायंगल जहां क्या है, पी है, क्यू है, आर है। हम एक रफ फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है ना? कहा ये जो पी आर है वो 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और जो पी क्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यानी ये साइड है 24 और पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बाकी सवाल समझ में आ जाएंगे। क्यू आर स्क्वायर आने देते हैं। पी आर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस पी क्यू मतलब 10 का स्क्वायर। हम जानते हैं 24 और इंटू 24 आप करके देखेंगे तो क्या आएगा। 24 इंटू 24 4 16 करीब 4 टू 19 2 4 जा 8 2 टू जा 4 6 7 5 576 आ गया। कितना आ गया? 576 प्लस 10 जा 100। ओके, ये हो गया कितना? 676। यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब क्यू आर इक्वल टू कितना? तो ये स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर था अभी वो क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। तो क्यू आर इक्वल टू कितना? सेंटीमीटर का स्क्वायर बचा सेंटीमीटर 675 का स्क्वायर रूट कितना होता है देखते हैं। इसको 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25 जा, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। अगर हम सॉरी 675 है, 676 है, माफ कीजिएगा, ये आपका 676 है। हम सीधे 676 से बात करते हैं। देखिए बच्चे, छोटी सी मिस्टेक भी आपके सवाल में लंबा रह सकती है। 676 को पहले किससे काटेंगे तो आप कहेंगे सर 2 से काटेंगे। से काटेंगे हम इसको 2 से काटेंगे। चलिए देखते हैं कितनी बार जाता है।
2 3 6 2 8 16 2 6 8 2 1 2 113 2 6 12 118 2 9 18। अब ये सीधे 13 से कटेगा, 13 आएगा, फिर 13 से कटेगा 1 आएगा, यानी क्यू आर इज इक्वल टू कितना 2 × 13 सेंटीमीटर, यानी कि 26 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्वेश्चन वन का आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। ओके, हम सेम बेसिस पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन वन हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, इसका भी हम एक ग्राफ फिगर बना लेते हैं। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल इज सी, राइट एंगल इज सी। चलिए अभी हम सोचिएगा, इतना चिल्लाइएगा, सारी हाइट बराबर है, राइट एंगल पे कौन है, सी है। अब कंफर्म हो गया कि ये वो जो है, ये राइट एंगल वाला 90 डिग्री वाला वो सी है। कितना है, सी है। ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसका नाम ए बी रख देते हैं। ये कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और कौन दिया गया है, और ए बी 25, ए सी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब आप सब समझ गए होंगे इस सवाल को देखते ही, हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी स्क्वायर, सॉरी यहां पे आइए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए सी मतलब 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब हो गया, हमें नहीं पता है, ठीक। 25 जो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर, स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर हो गया, 7 से बन जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो इसको पूरा इधर कर लेते हैं हम लोग, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है, इक्वल टू इसको इस पार ले जाते हैं 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करने पे कितना आ गया, माइनस करने पे आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने देखा था 576 किसका है, 24 का है। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट में हो गया, तो बी सी इज इक्वल टू कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल सेंटीमीटर बचा, 576 का है, 24 का है, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपके हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अभी क्या है, एक बार पूरा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली इसमें चलती ही रहेंगी, आप इन मैसेज को भी बराबर देखते रहेंगे, गौर करते रहेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, अब फटाफट काम करते, चलिए फुल स्पीड में। एक आपका दिया गया है इस तरह से, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे फेयर फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। एक सीढ़ी लगी हुई है जो कैसी है, जो कि आपका है 5 मीटर और 12 मीटर है। ये 5 रविश 15 मीटर है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 15 मीटर है, 12 मीटर है। हम जानते हैं इसका कुछ नाम दिया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है। ये आपका एच पी हो गया, ये एच हो गया हाइट, ये हो गया बेस, हमें निकालना है बेस का स्क्वायर। हम निकालेंगे एच पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आप सूत्र से समझ सकते हैं, इक्वल टू एच पी स्क्वायर मतलब 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर माइनस 12 मीटर स्क्वायर। 15 जा कितना होता है, 225 मीटर स्क्वायर माइनस
144 मीटर स्क्वायर, 225 में से 144 माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 81 मीटर स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू थी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 81 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 9 जो 81 होता है, तो हो जाएगा 81 का स्क्वायर 9 हो गया, मीटर का स्क्वायर मीटर हो गया, तो बी इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि इन द फॉलोइंग कैन बी साइड द राइट बी ट्रायंगल, तो लेट्स चेक दैट। आइए देखते हैं दोनों स्मॉलर साइज के स्क्वायर को अगले के स्क्वायर से हम लोग ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं पहला 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी साइड कौन है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे बड़ी साइज है 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 38.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 38.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आ गया 38.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो पहला क्या है, पहला ट्रू है, पहला क्या है, राइट ट्रायंगल है, पहला राइट ट्रायंगल है। ओके, ये वन था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 225 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया दोनों छोटे साइड का स्क्वायर बड़े साइड के बराबर होगा तभी राइट एंगल होगा, ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या है, ये नो, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दूसरा छोटा साइड कौन है, 2 है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सबसे बड़ा साइज कौन सा है, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, क्या मिलता है हमको, 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, 4 टू 6.25 है ही, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों साइड बराबर है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो आप कहेंगे यस, ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज राइट ट्रायंगल। ओके, अब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर कितना 5। ए ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। चलो एक हमारा फिगर बना लेते हैं, एक ट्री है जो 5 मीटर पर टूट गया है, इसकी लंबाई 5 मीटर है और जो ग्राउंड से कितनी दूर है 12 मीटर, कितना दिया है इसमें 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, 12 मीटर, ठीक है ना, ये बेस से। अभी ये कितना हो गया एचपी, एचपी हमको पता करना है, एचपी माने हाइपोटेन्यूस, कितना है पता करना है हमको। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे दो काम करना है, पहले तो एचपी निकालना है, तो एचपी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस कितना है 12 मीटर स्क्वायर प्लस हाइट है 5 मीटर स्क्वायर, 12 जा 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर, अभी ये कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लिया 169 मीटर स्क्वायर, तो एच पी स्क्वायर आपका ये चल रहा है, ठीक है ना, हम एच पी निकालेंगे, स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट हो गया,
169 मीटर स्क्वायर, तो 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 होता है, मीटर स्क्वायर का मीटर होता है, ठीक। हमारा स्पिन कर आया 13 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री, एक वो जो ऑलरेडी खड़ा हुआ है और एक वो जो टूटने के बाद बना हुआ है 13 मीटर, क्योंकि टूट करके यहाँ गिरा हुआ है, इसके दूरी के बीच में हमें इसको खड़ा कर देना है। 13 और 5 कितना हो गया, 18 मीटर, 18 मीटर लंबा ट्री था वो, पेड़ था वो, ठीक है। आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे, मुझे उम्मीद है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना था हाइट वाला, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 वाला, 5 था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6, 7, 8 सब तो लगभग सेम ही है, अब आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक रफली कर दे रहा हूं आपके लिए। 6, 7, 8 को क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू आर पी आर स्क्वायर, हमारे पास एक बेस एंगल है, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, हमारे पास ये हो गया आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है पी क्यू पी आर और क्यू, जिसमें से क्यू है 25 सेंटीमीटर डिग्री और ये 65 डिग्री। सबसे पहले हम ये जान लें कि क्या ये राइट एंगल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, तो आप कहेंगे सर सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग कर लेते हैं 25 प्लस 65 प्लस कितना पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 5, 5, 10 कैरी 1, 6, 2, 8, 1, 9 90 डिग्री, तो पी इज इक्वल टू आ गया आपका 90 डिग्री, तो बस बिल्कुल सही बात है, पी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के से लगे हुए साइड्स यानी ये और ये, इनके जो स्क्वायर होंगे वो अगले के स्क्वायर के बराबर होगा, और जब भी आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो आपका एचपी हो जाता है, तो अगर वो एचपी हो गया तो ये डेफिनेटली हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ओके मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके पास, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू आर पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, हम जानते हैं कि इनको डब्बे वालों को ऐड करने पर ये गोला वाला आना चाहिए, डब्बे वाले क्या नाम है, डब्बे वाले का नाम है पी क्यू स्क्वायर प्लस इसका क्या नाम है, इसका नाम है आर पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, यही एकमात्र कथन सही है जो आपके दूसरे नंबर पे रखा गया है। तो देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 में 2 वाला सही है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, गजब एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन के लिए एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा हमको, चलिए एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल मतलब ऑल साइड नॉट इक्वल, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल कितना है 41 है, कितना है 41 सेंटीमीटर, ओके आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। सबसे पहले हम काम करते हैं, लेंथ हमको मालूम है, डायगोनल हमको मालूम है, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, ब्रेथ निकाल लेते हैं, तो यहाँ ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, माइनस लेंथ का स्क्वायर, डायगोनल कितना है 41 का स्क्वायर, 41 मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 1681, अरे 41 इंटू 41 कितना होगा करके देख लेते हैं, 1 1 जा 1 1 4 जा 4 4 4 8 1 4 4 8 और 4 4 जा 16 1681 हो जाएगा, 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर सॉरी 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइनली इसको माइनस करने पे आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके
तो 9 9 जाए 80 और ये 9 हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं तो आपका बेस आ गया 9 सेंटीमीटर। अब ये आपको पता चल गया और आपको ये पता चल गया तो हमें क्या निकालना है इसके बाद। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रिक्टेंगल इक्वल टू आप जानते हैं पैरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 into लेंथ कितना है, लेंथ कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना निकाला हम लोगों ने 9 सेंटीमीटर। तो 2 into 40 और 9 कितना हो गया 49 सेंटीमीटर, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 98 सेंटीमीटर इज द आंसर। फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर्ड 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम एक रफ फिगर अच्छे से बना के अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत लंबा नहीं करेंगे। डायग्राम माने होता क्या है, ये करीब करीब होता है स्क्वायर जैसा ही रोम्बस, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, थोड़ा हमारी चित्र से आप लोग कंफ्यूज मत होना, 4 साइड इक्वल होते हैं इसलिए हमें कम से कम एक साइड तो निकालना ही पड़ेगा, ये 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 ये, बस फर्क इतना होता है कि कोई हाइट से इधर उधर हो जाता है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ना तो पढ़ना ही चाहिए आपको। अगर ये 16 है, अगर डायगोनल 16 है ठीक है, हम एक को मान लेते हैं कितना 16 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए हम एक साइड इसी पर भी निकाल लेते हैं, किस बल पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बल पे हम एक साइड ले लेते हैं कितना आ जाएगा, ये हम जानते हैं इसकी साइड थर्ड साइड, थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब सेंटीमीटर मीटर हो तो आप लगा लीजिएगा, तो थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा सॉरी माइनस करना पड़ेगा 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 225 स्क्वायर 225 माइनस 81 इक्वल टू कितना 169। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 ठीक है, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 ये बचा कितना 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 144। गजब, तो थर्ड का स्क्वायर हो गया 144, तो थर्ड इक्वल टू कितना हो गया 144, अंडर रूट कर दिया तो थर्ड कितना आ गया 12। अब मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर किसमें है आप लोग बना लीजिए इसको, 7 सेंटीमीटर में दिया गया तो हम सीधे फाइनली इसको आंसर सेंटीमीटर लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका आंसर निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि रोम्बस में आपने साइड निकाल लिया, साइड निकाल लिया तो आपकी सारी झंझट खत्म, कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका 6.5। तो आपने क्या किया, इस तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमको कि हम आपको इसको निकाल दिए 12 सेंटीमीटर, अब ये आपका हो गया 12। अगर डायगोनल की बात की जाए, तो उसमें आपका 8 हो गया 15 हो गया, क्यों 15 8 हो गया क्योंकि तो आपने 16 से निकाला था, कितने से निकाला था 16 से निकाला था, अगर आपने 16 से निकाला था तो फाइनली आपका ये क्या कहता है गुणागणित, गुणागणित कहती है ये 8 हुआ ये 15 हुआ, सामने की साइड निकल आई, सामने की साइड निकल आई 12, कितना निकल आया 12। तो 12 निकालने के बाद आपने कितना कर दिया, तो हमें माफ कीजिएगा हम इसको सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने डायग्राम उल्टा बना दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। हमारा डायग्राम ये है रोम्बस इस तरह बना हुआ है, इसके डायग्राम में हमने 16 का 8 किया था और इसका 15 लिया था, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आ जाएगा कितना, फिर से ऐड कर लेते हैं 516 और 12 8 516 8 to 10 carry 1 112 कितना आएगा बताइए, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 81, 516 8 to 10 यही तो होगा मेरे ख्याल से, 64 प्लस
225 is equal to 289 is equal to 289. तो 289 हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर. अगर 17 सेंटीमीटर आता है तो हम क्या करेंगे, 17 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकल आएगा, क्योंकि 4 इंटू साइज होता है तो आपको आ जाएगा 68 सेंटीमीटर. और आपको मेरे ख्याल से वीडियो पूरी तरह समझ में आ भी आ गया होगा. अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो एक बार जोर से बोल दो. सॉरी 8 64 था ये, माफ कीजिएगा. ठीक है, तो 289 आ गया आपका 17 सेंटीमीटर आपका सीधे आंसर आ गया. और मेरे ख्याल से आपको वीडियो इसी तरह समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. जय हिंद, जय भारत. थैंक्स.